दोस्तों, आज मैं बहुत सा एक प्रॉब्लम एक जो लेकर के आया हूँ आपके पास में। लेजर प्रिंटर में अक्सर ये होता है कि उसमें कंटिन्यू पेपर जब यहाँ से जब जाता है तो एक दो पेज प्रिंट देने से यहाँ पे कोई ना कोई पेपर आके फंस जाता है। उसके बाद आपका एरर आ जाता है और एक सा आवाज़ भी आता है उस समय जब प्रिंटिंग देने पर कंटिन्यूस कटक 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 कोई मूवमेंट हो रहा हो। जैसे कि आप टेक्नीशियन के पास ले जाएंगे तो बोलेंगे आपका ये मशीन में प्रॉब्लम हो गया, गियर बॉक्स ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। उसका सारा सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। आप देखिए, जैसे ये लेजर प्रिंटर 1020 प्रिंटर है, ऐसे आपका चाहे तो कोई भी मॉडल का प्रिंटर हो, लेकिन उस प्रिंटर को आप खुद भी ठीक कर सकते हैं और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। लेकिन मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ, प्लीज़ आपको ये हेल्प कर रहा हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो आप, और लाइक्स भी कीजिए। और जो भी आपका प्रिंटर का मॉडल हो उसमें आप चिंता मत कीजिए, मैं जो सोल्यूशन बताऊँगा सबका सोल्यूशन सेम होता है। और उस बीमारी का सोल्यूशन नहीं मिलने को ऐसे बहुत लोग परेशान होते हैं। वो कंटिन्यूस उसका प्रॉब्लम वही है जो मैंने पहले बताया, कंटिन्यूस पेपर को वो खींचता है, वो एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक खींचेगा वो। तो उसका सोल्यूशन साधारण से कर सकते हैं। आप देखिएगा ये प्रिंटर का पीछे में ये दो नोट्स है, उस प्रिंटर को पहले आप घुमा लीजिएगा। घुमाने के बाद में आप देखिएगा यहाँ पे पीछे आप ऐसा नोट्स मिलेगा, तो अक्सर लेफ्ट साइड में यहाँ जहाँ यूएसबी स्लॉट लगता है, इस साइड ही, मतलब ये यूएसबी स्लॉट जहाँ लगता है इस तरफ ही का आपको ये ढक्कन खोलना है। ये ढक्कन जब आप खोलेंगे, एक नोट है इसको खोल लीजिए पहले, खोलना है आपको। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा आपको लेना है लीवर, यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको उठाना है, ऐसे उठा के आराम से ऐसे देखिए बाहर आ गया। अक्सर कभी कभी बाहर ना आए तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी एक लॉक होता है, यहाँ पे एक लॉक होता है, ये लॉक से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में ये खोल दीजिए, साइड में रखिए, और आप देखिएगा यहाँ पे आपको एक रिले है, यहाँ पे ध्यान से देखिए इस रिले को, ये रिले को आपको खोलना है, ठीक है, इसको खोलना है। इसको खोलने के लिए बस इसको निकालिए, हाँ इसको निकाल दीजिए और इसको अपने पेचकस से, यहाँ पे एक नोट है अंदर, उस नोट को खोलना है, ठीक है, उस नोट को खोल के उसके बाद आगे मैं बताऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक नोट है, इसे खोलना है, ठीक है। आप देख सकते हैं सारा प्रॉब्लम जो पेपर फंसने का जो प्रॉब्लम था सारा इसी में है, ये छोटे से चीज़ जो है इसी में है। अक्सर क्या होता है, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, ये जब मूवमेंट होता है तो ये यहाँ पे चिपक जाता है, ये इसमें चिपक जाता है। चिपकने का कारण क्या होता है, ये ऐसे खेलते रहता है ये, तो इसमें साउंड नहीं होने के लिए कंपनी यहाँ पे एक फाइबर का एक स्टिकर लगाता है। वो स्टिकर घिस जाने का वजह से पीछे में जब लास्ट में गम आ जाता है उसका, ये गम जब आ गया तो फाइबर तो ख़त्म हो गया, तो ये जा करके दोनों गम में चिपक जाता है। तो क्या होता है, ये टाइमली नहीं आता है, देखिए सट गया, ये टाइमली नहीं आने पर वो क्या होता है कि दूसरा पेपर तब तक चला जाता है, तो इसका वजह से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको अभी क्या करना है देखिए मैं बताऊंगा, छोटा सा काम करना है इसको, आप इसको खोल लेना है, सावधानी से इसको खोलना है। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसको प्यार से अच्छे से खोल लीजिए, स्प्रिंग को खोने ना दे, अच्छे से कहीं रख ले इसे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि एक गम जैसा दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे गम, ये गम जैसा है, और इसमें भी देखेंगे आप गम जैसा है। तो उसके बाद आपको कोई भी एक ब्लेड लेना है या कुछ सर्फ धार वाला कोई चीज़ लेना है, ये दोनों जगह को साफ़ करना है अच्छे से, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से साफ़ करना है इसको, ये ब्लैक वाला जो है इसको हटा देना है पूरा, ये गम है ना, ये गम है पूरा, टोटल इस गम को साफ़ कर दीजिए यहाँ से। ये गम जब नहीं रहेगा तो इसमें चिपकेगा नहीं जाके वो, और जब चिपकेगा नहीं तो आपका कंटिन्यू अच्छे से चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गम को अच्छे से साफ़ करना है आपको, ये पूरा साफ़ कर देना अच्छे से इसको आप, और इसमें भी देखिए थोड़ा जो लगा हुआ है इसको भी अच्छे से साफ़ करना है, जितना हो सके ब्लेड से लेके कुछ हिसाब से साफ़ कर देना है इसको। पूरा साफ़ करने के बाद में फिर से इसको वैसे ही लगाना है, आप देख सकते हैं पूरी रीति से ये जो भी इधर गम था इसका साफ़ हो गया। अभी क्या होगा, जब ये फिट होगा, हाँ
जब ये ऐसा फिट होगा, मैं सारा आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, जब ये फिट होगा तो ये जब मूवमेंट होगा ना, तब ये जब ऐसे आएगा इसमें सटेगा नहीं, छोड़ देगा, ये छोड़ देगा, तो क्या होगा, कंटिन्यू आपका पेपर अच्छे से सही ढंग से जाया करेगा, ठीक है। यही था बीमारी, यही मैं सब सोल्यूशन, अभी इसको मैं फिट कर दूंगा, उसके बाद सारा इसका खेल खत्म है, समझ गए। आपके पास जो भी लेजर प्रिंटर हो, जिस टाइप का भी लेजर प्रिंटर हो, सारा लेजर प्रिंटर के नीचे में ये कोना में ये रहता है, उसमें इसमें देखिएगा, इसमें वो गम बैठ जाता है, तो उसको साफ कीजिए और लगाइए और चलाते रहिए, ठीक है। यही था सॉल्यूशन, अभी मैं प्रिंटिंग करके बाद में आपको दिखाऊंगा फिट करके।